कैसे दोस्तों, चलिए ऑडिट के कलेक्टिव इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में इसमें मैं हर एक चैप्टर के कलेक्टिव इंटरव्यू को कवर करूंगा और हर एक क्वेश्चन कवर होएगा। अगर आपको कलेक्टिव इंटरव्यू में 14 में से 10 प्लस स्कोर करना है, 10 मार्क्स प्लस स्कोर, तो उसमें आप क्या करना कि आपका लेंथ मैटर नहीं करता, आपका ये मैटर करेगा कि आपने अगर आप स्टैंडर्ड का नाम और नंबर अगर इन दोनों को लिख के आओगे तो आपका हर एक क्वेश्चन में 2 आउट ऑफ 2 मिलने के चांसेस काफी हाइयर रहेंगे कि आपका 100% चांसेस हो जाए आपके। एक तो आप स्टार्टिंग में ऐसे नंबर और नाम लिख देना, एक सेकंड जब आप लिखोगे उसके अंदर कीवर्ड्स को जरूर इनबिल्ड करना। लेट्स सपोज अगर आप कोई भी कीवर्ड नहीं लिखते, एक सिंपल लैंग्वेज में आप अपना आंसर देके आते हो और आपका बाई चांस करेक्ट और इनकरेक्ट जो आपने आंसर में आना था वो ठीक लिखा है, बट आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं लगे एग्जामिनर को, वो चाहे आपको 0 भी दे सकता है। बट यदि आपने आंसर को अपना स्टैंडर्ड नंबर और नेम से स्टार्ट किया होगा तो 100% चांस देंगे कि आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल जाएं। चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं स्टैंडर्ड नंबर और नाम की। ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एन ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे 240 द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू एन फ्रॉड ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 300 प्लानिंग द एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स कंट्रोल। ऐसे 320 मटेरियलिटी इन द प्लानिंग और परफॉर्मिंग ऑफ एन ऑडिट। ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर। ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग। ऐसे 550 रिलेटेड पार्टीज। ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न। ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर। ऐसे 700 फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऐसे 706 एम्फेसिस ऑन द मेटल एंड अदर मेटल पैराग्राफ्स इन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट्स। ऐसे 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसको एकदम आप प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, आपने जो आपकी रजिस्टर है उसके फर्स्ट पेज पे लिख लेना इसको सारों को। एक बार जब आप सब्जेक्ट को डेली पढ़ते हो तो उनसे पहले एक बार पूरी इसको लाइन को पढ़ लेना, और एक बार जब आपका सब्जेक्ट हो जाए तो बंद करने से पहले एक बार पढ़ लेना। विद इन वीक आपको याद होने लग जाएंगे सारे, और आप इसको लिख के आओगे ऑडिट के एग्जाम में आपको 5 से 10 मार्क्स फ्री के आपको एडिशन में मिल जाएंगे प्लस। और साथ में ये देख लीजिए करेक्ट एंड करेक्ट में ये जरूरी नहीं कि आप एक पेज का आंसर लिख के आ रहे हो, आप ये जरूरी है कि आप चाहे 4 लाइन का लिख के आ रहे हो बट वो एक अच्छी क्वालिटी का आंसर दे के आ रहे हो। इसे जो आना था आपने वो लिखा, एज पर ऐसे 200 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, और जो आपका राइट आंसर है उसको आपने अंडरलाइन कर दिया, तो इस तरीके से आपको 2 आउट ऑफ 2 मिल जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे नंबर नहीं है बट थोड़ी लैंग्वेज अच्छी लिखी हुई है। एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, आपने ऐसे का नाम लिख दिया कौन सा ऐसे है, फिर उसको एक्सप्लेन कर दिया और जो सही पार्ट है। और अगर आपने ये चीज ठीक लिखी है और एग्जामिनर को आपकी लैंग्वेज नहीं अच्छी लगी तो वो आपको 0 भी दे सकता है इन अपोजिट, तो अपना अच्छे से लिख के आना, फ्री के मार्क्स नहीं हमें होने। चलिए अब चैप्टर नंबर 1, नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 1, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट डज नॉट चेंज विद रेफरेंस टू नेचर साइज एंड फॉर्म ऑफ एन एंटिटी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्यों? क्योंकि ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद एन व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ओन। तो उसमें क्या है, इसने क्या है प्रॉफिट ओरिएंटेड हो नाउ और नाउ उसका साइज देखते हैं, तो आपका सीधा पता चल गया कि आपकी एंटिटी के साइज से कोई फर्क नहीं आता ऑडिटर के ओपिनियन पे, आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम रहता है, तो ये आपका करेक्ट आ गया। द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी आपको करेक्ट है। आपका ऐसे 200 क्या रहता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे। देखो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि इस कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस कम है क्योंकि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुकी है, तो वो इन्वेस्टमेंट के टाइम पे एश्योर रहेंगे थोड़े बहुत। क्वेश्चन नंबर 3, द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू 0
एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फॉर मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ऐसे 200 की रेफरेंस दे देना, क्योंकि ऑडिटर वो आपका सैम्पलिंग बेसिस पे होता है, आप 100% चेकिंग कभी नहीं करते, तो इस कारण आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एरर है और यह आपकी 100% सही है। आप इस पर ओपिनियन देते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कर रही है या नहीं कर रही। और द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इज सेंट बाय क्लाइंट टू ऑडिटर, ये भी आपका इनकरेक्ट आता है, ऐसे 210 की रेफरेंस दे देना। 210 क्या कहते हैं, ऑडिटर है वो अपने क्लाइंट को भेजता है, ना कि क्लाइंट ऑडिटर को भेजता है। फिफ्थ, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस फॉलोड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला फाउंड आपका AS1 क्या कहता है, आपकी अकाउंटिंग असम्पशंस फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस अगर आप फॉलो कर रहे हो, आपको डिस्क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं है। इफ स्पेसिफिक, अगर आप कहीं भी डिस्क्लोज फॉलो नहीं करें, देन उसको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज कीजिए। अकाउंटिंग असम्पशंस कौन कौन सी है, जैसे गोइंग कंसर्न होगी, कंसिस्टेंसी होगी, एक्यूरल होगी, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते देन उसको स्पेसिफिकली डिस्क्लोज कीजिए कि आपने फॉलो क्यों नहीं किया, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है। सिक्स पार्ट, एन ऑडिटर इज कंसिडर्ड टू बी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इज द पार्टनर ऑफ एन ऑडिट फर्म डील्स विद द शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑफ ऑडिटेड एंटिटी। यहाँ पे लिखा है लैक, यानी ये क्या होगा, करेक्ट। क्यों, क्योंकि आपका सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी पर्सन, पार्टनर या रिलेटिव जिस एंटिटी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाले हैं, यदि वो डील करते हैं या उनके पास शेयर एंड सिक्योरिटीज होते हैं, तो आप डिसक्वालिफाइड हो जाते हो उस एंटिटी के ऑडिट करने के लिए, तो आपके ऊपर लैक ऑफ इंडिपेंडेंस होते हो उस टाइम पे, और इसमें भी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है, तो इस कारण आपका आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट। सेवन, द ऑडिट एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट्स शुड ऑर्डरली बी रिटेन्ड बाय द ऑडिट ऑडिटर फॉर द मिनिमम 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और द डेट ऑफ ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट व्हिच एवर इज लेटर। यहाँ पे क्या है, 6 ईयर्स, तो ये गलत हो गया, क्या आता है यहाँ पे 7 ईयर्स, तो आपका क्या ये बन जाता है, इनकरेक्ट। एट, मिस्टर एस वन ऑफ द न्यू टीम मेंबर्स ऑफ एन ऑडिट इज एन ऑडिटर ऑफ एक्सट्रीमली इफेक्टिव लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट ओनली द नॉलेज ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज रिक्वायर्ड वेयर एज नॉन नॉलेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका देखो क्या आना चाहिए, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि आप ऑडिट करने जाते हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपको सेल्स भी होता है एक मेजर पार्ट, अब वो सेल्स के ऊपर आपको क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स से फॉलो होता है। अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज नहीं होगी, क्या तो क्लाइंट ने टैक्सेस गलत लगा रखी हो, टैक्सेस कस्टमर से तो ले रहा है बट क्या GST सबमिट ही ना कर रहा हूँ, तो आपको आईडेंटिटी की भी नॉलेज चाहिए होती है, तो यहाँ पे क्या गया, इनकरेक्ट। नाइन्थ पार्ट, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एच वन ऑफ द टीम मेंबर ऑफ द ऑडिटर बाय द एसेंशियल ऑडिट वाज ऑफ द व्यू दैट नो रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। ये भी इनकरेक्ट आ जाता है, क्यों, क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के बीच में तो बड़ा क्लोज रिलेशन है, क्योंकि आप ऑडिट किसका करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किससे बने होते हैं, साथ में अकाउंट्स भी होते हैं, जनरल एंटिटी से लेजर, लेजर से आपका ट्रायल बैलेंस, फिर आपका P&L, फिर आपका स्टेट बैलेंस शीट, और जनरल एंटिटीज आपके वाउचर के बेसिस पर बनती है। तो आपको ये क्या हो गया, आप ऑडिट किसका करो, अकाउंट्स के तो करो कि उन्होंने सही बनाए कि नहीं बनाए, तो इसके लिए इनकरेक्ट। 10th, The term engagement standards refers to the standard on auditing only. ये भी आपका इंटरेक्ट आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्लस स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट प्लस स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट प्लस स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS, और इसमें क्या है, सिर्फ ऐसे आते हैं, तो इसके लिए ये इंटरेक्ट हो जाता है। चलिए आप नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर टू, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर वन, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड द डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट एंड सिक्वेंशियल प्रोसेस बट आर क्लोजली इंटररिलेटेड सिंस चेंजेस इन वन मे रिजल्ट टू दिस कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस ऑफ द अदर। ये भी आपका करेक्ट आ जाता है, करेक्ट क्यों, क्योंकि इसने नोट वर्ड मेंशन कर दिया। देखो ये तो नहीं है कि आपने एक बार ऑडिट स्ट्रेटजी बना ली, फिर ये आपको फर्स्ट स्टेप होता है, फिर सेकंड स्टेप, स्टेप वाइज बना चलते हो कि आपने पहले स्ट्रेटजी बनानी है फिर प्लान बनाना है, और अगर प्लान में कुछ चेंज कर दिया आप वापस नहीं आ सकते हैं, ये तो नहीं होता। क्योंकि देखो अगर आपने कुछ प्लान में चेंजेस आ गया, आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ जाती है, कुछ स्ट्रेटजी में चेंज आ गया प्लानिंग में चेंज करनी पड़ जाती है, तो ये तो एक इंटर रिलेटेड प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे नोट लिख के इन्होंने करेक्ट, अगर यहाँ पे ये नोट वर्ड ना होता तो ये इनकरेक्ट बन जाता। क्वेश्चन नंबर टू, एस्टेब्लिशमेंट एंड ओवरऑल स्ट्रेटजी दैट सेट द स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिटर दैट मैच द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑडिट प्लान
प्लान इज प्रेरोगेटिव ऑफ द मैनेजमेंट। प्रेरोगेटिव क्या होता है? राइट। ये ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान बनाना मैनेजमेंट का पार्ट होता है। इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि ये ऑडिटर फ्रेम करता है। प्रेस इन ओवर्स आपको काफी देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्लानिंग इज अ डिस्क्रीट फेस ऑफ एन ऑडिट। ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग क्या कंटिन्यूअल प्रोसेस है, इटरेटिव प्रोसेस है। जैसे क्या होता है कि आपका लास्ट ऑडिट कंप्लीट हो गया है, अब न्यू ऑडिट के लिए आपको न्यू प्लान करना पड़ेगा। न्यू ईयर के लिए एक नया ईयर स्टार्ट करोगे। अच्छा, बीच में ऑडिट करते करते आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलगी, तब आपको आपको प्लानिंग रिवाइज करना पड़ जाता है। तो ये क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड इट अप्लीकेबल द मटेरियलिटी लेवल एंड लेवल ऑफ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट्स बैलेंस और डिस्क्लोजर डज नॉट नीड एनी रिविजन। ये भी फॉल्स है। फॉल्स नहीं, आपको क्या पूछा हुआ? करेक्ट, इनकरेक्ट। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट लिखिए। अब मटेरियलिटी लेवल है वो हमें बाद में रिवाइज करनी पड़ जाती है, तब जब ऑडिटर को कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या उसको लगता है कि चेंजिंग इन ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग कि ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, उसको उसको लगता है कि यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, तो वो अपनी मटेरियलिटी लेवल को चेंज कर देगा। ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग चेंज होगी या कोई इन्फॉर्मेशन मिलगी, तो हमें मटेरियलिटी लेवल भी टाइम टू टाइम रिवाइज करनी पड़ती है। बट क्वेश्चन ने कहा है कि डज नॉट नीड एनी रिविजन, तो इस चक्कर में ये क्या हो गया? इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए डिटेल्ड और प्रोग्राम वंस प्रिपेयर्ड फॉर अ बिजनेस कैन बी यूज फॉर ऑल बिजनेस अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये तो गलती है यार। क्यों? क्योंकि एक ये कह रहा है कि आप एक प्रोग्राम बना लीजिए, आपके पास कोई जैसा क्लाइंट आए हर एक में वही चिपका देना, बट ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि हर एक बिजनेस के अपने अपने सर्कमस्टेंसेज होते हैं, हर एक सर्कमस्टेंसेज के अकॉर्डिंग अलग ऑडिट प्रोग्राम बनता है। तो इस कारण चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। द ऑडिट प्लान क्या है? मोर डिटेल्ड। ये आपका क्या जाता है? करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑडिट प्लान में क्या होता है, आप एंटिटी डिसाइड करते हो ऑडिट प्रोसीजर या अदर ऑडिट प्रोसीजर दोनों से आपको करने हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक टाइप का मोर डिटेल्ड हो जाता है आपके हर एक प्रोसेस का सोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर पे, चैप्टर नंबर थ्री, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। क्वेश्चन नंबर वन, एज पर एसए 213, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दी वर्किंग पेपर्स आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। हे महा माता जी। क्यों? क्योंकि ये आपका हो गया इनकरेक्ट। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वो ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ऑडिटर उसके ऊपर काम करता है। यदि ऑडिटर यदि लो चाहता है या ऑडिटर की खुद की मर्जी है कि उसको शेयर करना है, तब वो शेयर कर सकता है, उससे कोई फोर्सफुली नहीं मांग सकता उसके पेपर्स को। सेकेंड, परचेज इनवॉइस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल एविडेंस। ये भी आपका इनकरेक्ट आ जाता है। क्यों? परचेज इनवॉइस, परचेज का मतलब क्या है? आप कहीं और से सामान खरीद के लेके आ रहे हो, यानी वो पर्सन आपको एक डॉक्यूमेंट दे रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल एविडेंस। थर्ड पॉइंट, सफिशियंसी इज द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। ये भी इनकरेक्ट। क्यों? सफिशियंसी क्या दिखाता है आपको? क्वांटिटी। और क्वालिटी कौन दिखाता है आपको? अप्रोप्रिएटनेस। इसको एग्जाम में लिख के आना कि अप्रोप्रिएटनेस का मतलब होता है क्वालिटी और सफिशियंसी का मतलब होता है क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट, इंक्वायरी अलोन इज सफिशियंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। ये भी गलत है इनकरेक्ट। तो भाई इंक्वायरी अकेला नहीं कर पाता, इंक्वायरी के साथ साथ आपको अदर ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सेट्रा। तो आपको उनके साथ कुछ ना कुछ एक और साथ में प्रोसीजर लगाना पड़ेगा कम से कम आपको सफिशियंसी मेंटेन करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट, मिस्टर ए इज द सिक्योरिटी ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड। द ब्रांच ऑफ एबीसी लिमिटेड इज ऑडिटेड बाय मिस्टर बी, अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। मिस्टर ए रिक्वेस्टेड फॉर द फोटोकॉपीज ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मिस्टर बी पर्टेनिंग टू द ब्रांच ऑडिट। अभी कह रहे हैं मिस्टर ए बी से कॉपीज मांग रहा है। अब यहाँ पे क्या है, मिस्टर बी की खुद की मर्जी है, अगर वो शेयर करना चाहे करे, ना करना चाहे नहीं करे, मिस्टर ए उसे फोर्सफुली नहीं मांग सकता। तो यहाँ पे आपको क्या जाता है? इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, एन ऑडिटर इंक्वायर्स द मैनेजमेंट एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, इट शुड बी अ फॉर्मल रिटन फॉर्म ओनली, नॉट इनफॉर्मल ओरल क्वेरीज। तो ये भी क्या है? इनकरेक्ट। क्यों? एक ऑडिटर की मर्जी है, चाहे वो रिटन में करे या ओरल में करे, वो उसकी मर्जी है। आप उसको ये नहीं कह सकते भाई तू रिटर्न में ही कर। अगर वो रिटर्न में करता है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट बन जाएगा और फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा, बट उसकी मर्जी है, वो ओरल चाहे ओरल भी पूछ सकता है। सिक्स, सेवन्थ, अजम्पशंस रेफर टू द रिप्रेजेंटेशन बाय द ऑडिटर टू कंसीडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट दैट मे अकर। अजम्पशंस क्या है? बाय द मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है आपका? इनकरेक्ट हो गया। ये वाला क्वेश्चन में काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। चलिए चैप्टर नंबर फोर पे चलते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन, एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। ये भी आपका इनकरेक्ट आ जाता है। क्यों? अगर प्राइवेट कंपनीज की जिसके टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ से ज्यादा है, तो
उन्हें इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर टू, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। इसका आप सोचिए एक बार क्या होगा, यहाँ पे ऑडिट रिस्क मेंशन है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर आ जाता है आपका इनकरेक्ट। क्यों? जितनी ज्यादा मटेरियलिटी लेवल होगी, उतनी ज्यादा हम चेकिंग करेंगे, उतना आपका ऑडिट रिस्क कम होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इनवर्स रिलेशन आ जाता है। थर्ड पॉइंट, कंट्रोल रिस्क इज अ सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और अ क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन टू मिसस्टेटमेंट डेट मटेरियलिटी आइदर इंडिविजुअली और वेदर एग्रीगेटेड विद मिसस्टेटमेंट इन अदर क्लास बैलेंसेस अज्यूमिंग देयर आर नो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स। ये किसकी डेफिनेशन दी गई आपको, इनहेरेंट का। ये आपको इनहेरेंट रिस्क के बारे में बताया गया और इसका आंसर क्या जाता है, इनकरेक्ट। आप इनहेरेंट रिस्क लिख के सारा एक्सप्लेन कर देना। कंट्रोल रिस्क क्या होता है, जिससे आप डिटेक्ट, प्रिवेंट या करेक्ट कर सकते हो अपने कंट्रोल्स को। चलिए फोर्थ पे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू प्रोवाइड ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिफ्थ पार्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी ऑडिटर। हाँ, सारा काम ऑडिटर करे, कंपनी कुछ ना करे। यह आपका क्या जाता है, इनकरेक्ट। ये किसका पार्ट होता है, मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ना कि स्टैच्यूटरी ऑडिटर का। पहले आप लिख दोगे स्टैच्यूटरी, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर स्टैच्यूटरी ऑडिटर, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टू मेंटेन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। चलिए सिक्स पे, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ वेरी फर्स्ट लिमिटेड वाज द व्यू दैट इंटरनल ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड मस्ट बी एन एम्प्लॉय ऑफ वेरी फर्स्ट लिमिटेड। अब इंटरनल ऑडिटर है कंपनी का, मस्ट है, मस्ट बी एन एम्प्लॉय, मस्ट नहीं होगा यहाँ पे। वो एम्प्लॉय हो भी सकता है या नहीं भी, चाहे आप सीए को रख लीजिए, सीएस, सीएमए या एमडीए, मतलब इंटरनल ऑडिटर कोई भी हो सकता है, जरूरी है कि कंपनी का एम्प्लॉय ही हो। ये मस्ट के कारण ये स्टेटमेंट क्या बनेगी मेरी, इनकरेक्ट। सेवन पॉइंट, मिस्टर डब्ल्यू वन ऑफ द टीम मेंबर्स ऑफ ऑडिटर ऑफ डिफरेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल ऑफ डिफरेंट लिमिटेड वाज नॉट हेल्पिंग इन द ऑडिट प्रोग्राम। ये भी आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके जो मेंबर ऑफ ऑडिटर ऑफ डिफरेंट लिमिटेड वाज ऑफ द व्यू दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर आपने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली है तो आपको कंपनी के रिस्क पता चले होंगे, कहाँ कहाँ रिस्क है, उस रिस्क के लिए क्या क्या कंट्रोल है, कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी है, और आपको ऑडिट प्रोग्राम में काफी हेल्प करेगी, और ये करे किसी हेल्पफुल नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉट के कारण इनकरेक्ट बन गया आपकी स्टेटमेंट। क्वेश्चन एट, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शैल नॉट बी यूज्ड बाय द ऑडिटर एज एन ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो जो आपने इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की है वो आपको कहीं ना कहीं काम आ जाती है आपके कारण, कि कहाँ कहाँ कंपनी के रिस्क है, कैसे रिस्क है, उसके लिए मैं आगे कैसे ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करके ऑडिटेंस एविडेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ। ये भी आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ऑडिटर इन रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड। अब क्वेश्चन नंबर 1, टीमिंग एंड लीडिंग इज वन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ इन्फ्लेटिंग कैश पेमेंट्स। टीमिंग एंड लीडिंग क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज आपको किसी पर्सन से 40,000 रुपीज मिले, आपके कैशियर ने क्या किया, 30,000 की एंट्री पास कर दी और 10,000 अपनी पॉकेट में डाली और घर पे ले गए और उसने सारे पैसे उड़ा दिए। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आपका एक और डेटर आया 50,000 रुपीज लेके, तो कैशियर ने क्या किया, 40,000 इसके रिकॉर्ड कर दिए, 10,000 पिछले वाला गैप यहाँ कवर कर दिया। ऐसे ही जब नेक्स्ट टाइम एक और डेटर आया 60,000 रुपीज लेके, तो कैशियर ने इसके नाम पे 50 डाल दिए, 10,000 पिछले वाले रिकवर कर रहे यहाँ से, वो 10,000 की कमी चलती आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, इन्फ्लेट की जगह ये डिफ्लेट हो रहा है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इनकोरेक्ट। नेक्स्ट, फ्रॉड इज टर्म एज एन इंटेंशनल एरर। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशनल वर्ड आ गया, आप जानबूझ के करते हो डेलिबरेट, और जो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ऑडिटर के लिए। थर्ड, ऑडिटर नीड टू रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व 20 लाख रुपीज। ये गलत है, जब आपका फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है तब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है, नहीं तो आप उसको अपनी ऑडिट कमेटी या बोर्ड जिसने आपको अपॉइंट किया आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, और ये आपका सेक्शन 143 के अंडर आता है। तो यहाँ पे क्या आपका, इनकरेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड रेस्ट विद द बोथ टीसीडब्ल्यूजी एंड द मैनेजमेंट। ये भी ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, ऑडिटर की कोई प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ ओपिनियन देने के लिए आता है एंटिटी में, अगर उसको फ्रॉड लगता है तो वो रिपोर्ट कर देता है। तो ये क्या आपका, करेक्ट। फिफ्थ पार्ट, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ओनली इन्वॉल्व मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। अब इसमें आप एक चीज ध्यान से देखना, ओनली
ओनली का मतलब इन्होंने कह दिया बस आपका जो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है सिर्फ इन्हीं चीजों से होगा, ये आपका क्या आ गया इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस भी हो सकता है, या कोई चीज आप ओमिशन कर दिए है, या आपने जानबूझ के इंटेंशनल ओमिशन किया है, या आप एडजस्टिंग अजम्पशंस धक्के से अजम्पशंस डाल के यूज कर रहे हो, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। सिक्स, अनयूजुअल डिलेज बाय द एंटिटी इन प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन शोज प्रॉब्लमेटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ये आपका करेक्ट आ जाता है। क्योंकि अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसमें डिले हो रहा है, क्या पता वहां पे कोई ना कोई फ्रॉड के चांसेस हो। सेवंथ पार्ट, इन कंपेयरिंग द मैनेजमेंट फ्रॉड विद द एम्प्लॉय फ्रॉड द ऑडिटर रिस्क ऑफ फेलिंग टू डिस्कवर द फ्रॉड इज लेस फॉर मैनेजमेंट फ्रॉड, ये आ जाता है आपका इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैनेजमेंट में फ्रॉड क्या होगा, वो आपके अकाउंट्स मैनिपुलेट करेंगे, और जो आपका ऑडिटर वो अकाउंट्स पे बेस होता है, तो आपको वो पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपके पास फॉल्स रिपोर्ट्स होंगे सारे। एट्थ, एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द एंटिटी इन्वेंटरी प्राइस और अर्निंग्स ट्रेंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड रिस्क फैक्टर रिलेटेड टू एन अपॉर्चुनिटीज, ये भी गलत आ जाता है। क्यों? क्योंकि एटीट्यूड रैशनलाइजेशन की बात होती है, ना कि अपॉर्चुनिटी की, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब नाइन्थ, मिस एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी अराइज फ्रॉम फ्रॉड ओनली, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट फ्रॉड से भी हो सकती है प्लस एरर से भी हो सकती है, तो ओनली आती है, ये क्या हो गया इनकरेक्ट। टेंथ, मिस एप्लीकेशन ऑफ एसेट इन्वॉल्व थेफ्ट ऑफ एन एंटिटी एसेट इज ऑफन प्रोटेक्टेड बाय एम्प्लॉइज इन रिलेटिवली लार्ज एंड मटीरियल अमाउंट, ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि क्या था, वो एसेट स्मॉल हो और इन मटेरियल अमाउंट क्यों, क्या तो कंपनी इतना ध्यान ना देती उन पे, उनके ऊपर सिक्योरिटी कम हो। इलेवन, एन ऑडिटर कंडक्टिंग एन ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद एसे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एब्सोल्यूट अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल आर फ्री फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट रादर कॉज्ड बाय फ्रॉड और एरर, यहाँ पे क्या आ गया एब्सोल्यूट, मतलब आप उसको कह रहे हो भाई 100% फ्री है, बट ऑडिट में 100% तो कभी भी नहीं होता, आप उसको रीजनेबल अश्योरेंस देते हो, तो ये क्या हो गया आपका आंसर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर वन, ऑल ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आर कॉम्प्लेक्स, आपका ये क्या आ गया इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, ऑल ऑल में जो भी कोई ना कि अगर किसी में कम आपने लैपटॉप वो कंप्यूटर यूज कर रखे हैं, तब वो डिपेंड करता है बिजनेस किस नेचर का, क्या कितने उसमें ऑटोमेशन कर रखी है। सेकेंड, इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द ऑडिटर शुड प्लान रिसोर्सेज टू ऑल आईटी रिस्क, ऑल आईटी रिस्क यानी इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड आईटी होता है उसको देखना होता है, ऑल से हमें कोई मतलब नहीं है। थर्ड, जनरल आईटी कंट्रोल्स फॉर द फंक्शनिंग ऑफ एन एप्लीकेशन कंट्रोल, करेक्ट, क्योंकि जनरल कंट्रोल एप्लीकेशन प्लस आईटी डिपार्टमेंट कंट्रोल उन दोनों को सपोर्ट कर देता है। फोर्थ, इंक्वायरी ऑफन मोस्ट एफिशिएंट ऑडिट टेक्निक मेथड बट लीस्ट इफेक्टिव, ये भी आपको करेक्ट है, क्योंकि ऑडिट इंक्वायरी से आपको जल्दी रिजल्ट तो मिल जाता है बट उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्या होता है पर्सन झूठ बोल दे, तो करेक्ट। फिफ्थ, स्पेशलाइज्ड ऑडिट टूल्स लाइक आइडिया एसीएल आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डाटा एनालिटिक्स, इनकरेक्ट, क्योंकि डाटा एनालिटिक्स के लिए ये चाहे इन्हें यूज कर लीजिए या एक जनरल एक्सेल, एक्सेल के थ्रू भी आप डाटा एनालिटिक्स कर सकते हो। डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, जब आप एक बहुत बड़े डाटा से, लार्ज डाटा से एक मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, तो उसे डाटा एनालिटिक्स कहते हैं। सिक्स, ए कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू टैप वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इलेक्ट्रॉनिक डाटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज मीनिंगफुल डाटा, ये क्या गया इनकरेक्ट, इसको क्या बोलते हैं डाटा एनालिटिक्स, हम ऊपर वाले क्वेश्चन में इसके पढ़ के आए हैं। मीनिंग सेवन, डूइंग द असेसमेंट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल इफ द ऑडिटर टेस्ट कंपनसेटिंग कंट्रोल्स ही शुड ऑब्टेन एविडेंस फॉर अदर मिटिगेटिंग फैक्टर्स, अब इसका आप ध्यान से सोचना, इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि चाहे अदर कंपनसेटिंग कंट्रोल्स को देख लीजिए या अदर मिटिगेटिंग, दोनों को एक साथ देखने की जरूरत नहीं है, आप इन दोनों में से एक को टेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, एट पॉइंट, एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट बेसिकली रेफर्स टू एन बिजनेस इन्वायरमेंट वेयर प्रोसेसेस ऑपरेशंस अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड डिसीजंस आर कैरिड आउट बाय द कंप्यूटर सिस्टम्स, अब यहाँ पे क्या रह गया, एक वर्ड रह गया प्रोसेस ऑपरेशन अकाउंटिंग, ये डिसीजंस है, ये भी आप यहाँ पे इसने लिख दिया एक्सपेक्ट, इसकी जगह आएगा कि डिसीजन भी आप कंप्यूटर से लेते हो, तो ये आपका आंसर क्या बन गया इनकरेक्ट। नाइन, द कंपनी ऑडिटर्स नीड नॉट रिपोर्ट ऑन द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इन हिज ऑडिट रिपोर्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, ये आपका जाता है करेक्ट, क्योंकि ओपीसी को अजम्पशन मिली हुई है कंपनी एक्ट 2013 में। टेंथ, जनरली अप्लाइंग इंक्वायरी इन कॉम्बिनेशन विद रेफरेंस
इन दी परफॉर्मेंस एज एन ऑडिट टेस्टिंग मेथड गिव्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। ये क्या जाता है आपका इनकर, क्यों? क्योंकि इंक्वायरी को इंस्पेक्शन के साथ लगाने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, ना कि री परफॉर्मेंस के साथ। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चलिए अब चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग। क्वेश्चन नंबर 1, द मेथड व्हिच इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स ऑफ आइटम इज नोन एज ब्लॉक सैम्पलिंग। इसको आईसीए ने ब्लॉक सैम्पलिंग की जगह क्लस्टर सैम्पलिंग का नाम दिया है। ब्लॉक सैम्पल पहले आप लिखोगे इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। और ब्लॉक सैम्पलिंग क्या होता है, जब आप ब्लॉक्स में से एक डेफिनेट ब्लॉक को सिलेक्ट करते हो उसके अंदर सैम्पलिंग अप्लाई करते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया, इनकरेक्ट। सेकंड, यूनिवर्स रेफर्स टू एन एंटायर सेट ऑफ डाटा फ्रॉम विच सैम्पल इज सिलेक्टेड एंड अबाउट विच ऑडिटर विश टू ड्रॉ कंक्लूजन। वो यूनिवर्स में होता वो क्या कहते हैं पॉपुलेशन, ये क्या गया आपका इनकरेक्ट। यूनिवर्स को काट के आप पॉपुलेशन लिख दोगे और यूनिवर्स को भी डिफाइन कर दोगे। थर्ड पॉइंट, नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज रैंडम सिलेक्शन और सैम्पल साइज एंड यूज द प्रोबेबिलिटी थ्योरी टू इवेलुएट द सैम्पल रिजल्ट इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपका जाता है इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि आप इसमें कोई थ्योरी का यूज नहीं करते, इसमें ऑडिटर अपनी मर्जी से करता है अपने एक्सपीरियंस को यूज करके। तो ये क्या आ गया इनकरेक्ट। सैम्पलिंग नीड नॉट टू बी रिप्रेजेंटेटिव, ये तो सबसे बड़ा गलत है। क्यों? अगर सैम्पलिंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ तो आप सैम्पलिंग यूज क्यों कर रहे हो डाटा पे? रिप्रेजेंटेटिव होगा तभी तो आप लगाते हो। फिफ्थ पॉइंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज टू इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रैटम एंड देयरफॉर अलाउ सैंपल साइज टू रिड्यूस विदाउट इंक्रीजिंग सैंपल दिस। ये तो ठीक है आपका, सैंपल साइज को रिड्यूस करता है और सैंपल विदाउट इंक्रीजिंग सैंपलिंग रिस्क। बट एक चीज गलत है, इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी ऑफ आइटम। क्यों? स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जब आप एक हेटरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस बना देते हो तो होमोजीनियस बना के वल्नरेबिलिटी डिक्रीज होती है ना कि इंक्रीज होती है। तो इस कारण ये क्या हो गया इनकोरेक्ट। सिक्स, व्हेन स्ट्रेटिफिकेशन पॉपुलेशन इज यूज टू सिलेक्ट अ सैंपल, सैंपल नीड नॉट टू बी रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज दिस स्टैटिकल सैंपलिंग टेक्स केयर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। सैंपल हमेशा का हमेशा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, तो इसका ये क्या हो गया इनकोरेक्ट। सेवन, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज यूज फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन, ये भी आपका इनकरेक्ट। क्यों? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग वो हेटरोजीनियस पॉपुलेशन पे होता है, फिर हेटरोजीनियस पॉपुलेशन को वो होमोजीनियस में कन्वर्ट करके फिर सैम्पलिंग की जाती है। एट, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज कंसिडर्ड टू बी मोर साइंटिफिक देन अ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। साइंटिफिक आप स्टैटिस्टिकल को करते हो क्योंकि नॉन स्टैटिस्टिकल में ऑडिटर है वो अपना एक्सपीरियंस यूज करता है। तो एट में भी क्या होगा इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट, नाइन, इन केस ऑफ स्टैटिकल सैम्पलिंग द ऑडिटर बायसनेस इज चूजिंग सैंपल इज इन्वॉल्व, ये भी आपका इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि स्टैटिकल में ऑडिटर की बायसनेस नहीं होती, एक साइंटिफिक मेथड से आप करते हो, तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट। टेंथ, इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन ईच स्ट्रैटम कैन बी डायरेक्टली प्रोजेक्टेड टू द होल पॉपुलेशन। इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द कंक्लूजन ड्रॉन ईच स्ट्रैटम कैन बी डायरेक्टली प्रोजेक्टेड टू होल पॉपुलेशन, ये आपका क्या हो गया इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि जो आपने एक स्ट्रैटम है, स्ट्रैटम क्या होता है, एक आपने हेटरोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे अलग अलग आपने स्टार्टम फॉर्म कर दिए, क्या तो इसके अंदर आपके 10,000 के आसपास के फिगर हो, इसमें 50,000 के हो, इसमें 1,000 के। अब 10,000 वाला 1 लाख का कोई ना रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, वो तो अपने खुद के लिए लिमिटेड रह जाएगा ना, तो इसका क्या क्या होगा इनकरेक्ट। 11, लो एक्सेप्टेबल सैम्पलिंग रिस्क रिक्वायर लार्ज सैंपल साइज, ये आपका करेक्ट आ गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एसए 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मींस इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल डाटा ओनली। ये आपका देखो इसने सही देता देता फाइनेंशियल डाटा ओनली लिखे, यहाँ पे क्या क्या आएगा, नॉन फाइनेंशियल डाटा भी आएगा, डेफिनेशन अधूरी रह जाएगी, तो ये मेरा क्या बन गया इनकरेक्ट। सेकेंड, ऑडिटर कैन डिपेंड ऑन रूटीन चेक्स टू डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स और मैनिपुलेशन दैट मे एग्जिट इन अकाउंट्स, ये इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि रूटीन चेक्स के अलावा वो अदर ऑडिट प्रोसीजर भी परफॉर्म कर सकते हैं मिस्टेक्स और मैनिपुलेशन को ढूंढने के लिए। थर्ड, ओनली पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर इज टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस व्हेन सैप व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, ये भी आपका क्या होगा, खाली कंक्लूजन के लिए एविडेंस के लिए नहीं होता, ये प्लानिंग वगैरह में भी काफी यूजफुल रहता है, तो ये क्या होगा आपका इनकरेक्ट। अब फोर्थ, एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड इन अ प्लानिंग फेज ओनली, ये भी आपका इनकरेक्ट। प्लानिंग परफॉर्मिंग
और रिपोर्टिंग के टाइम में भी एनालिटिकल प्रोसेसर का यूज होता है, ये तीनों फेस में यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, सब्सटेंटिकल एनालिटिकल प्रोसेसर आर जनरली लेस एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट टेंड टू हैव अ प्रेडिक्टेबल ओवर टाइम। ये भी क्या आपका आ गया इम्पैक्ट, क्यों? क्योंकि सैप को आप यूज ही तब करते जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होती है, तो ये लेस की जगह अगर मोर होता तो अब ये फैक्ट बन जाता है। सिक्स, रेशियो एनालिसिस यूजफुल इन एनालाइजिंग रिवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट ओनली। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा होगा रेशियो वाले चैप्टर में कि आपको रिवेन्यू और एक्सपेंस के अलावा एसेट और लाइबिलिटी की काफी रेशियोज है, करंट एसेट रेशियो, करंट लाइबिलिटी वगैरह करके। तो उसमें क्या पता चलता है हमें कि एसेट और लाइबिलिटी में भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ ओनली आ गया, इसके लिए क्या होगा इनकरेक्ट। सेवन, रीजनेबल टेस्ट रिलाई ऑन द इवेंट्स ऑफ द प्रायर पीरियड्स लाइक अदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ये क्या इवेंट्स प्रायर पीरियड के तो जरूरी नहीं है, आप इस साल के नॉन फाइनेंशियल डाटा से भी कर सकते हो, और ये अनलाइक टू ट्रेंड एनालिसिस होता है, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। एट, दिस स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर टू द स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, नॉट टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस पे क्यों नहीं कर सकते, रेशियो तो आप हर जगह कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये क्या हो गया इनकरेक्ट। और एनालिटिकल प्रोसीजर को भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे नोट लिख के ये स्टेटमेंट क्या बन गया आपकी इनकरेक्ट। बोलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 9, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसका पहला क्वेश्चन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट द सम ऑफ एंटिटी पेज टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर देयर लेबर एंड एफर्ट्स ओनली। अब यहाँ पे ओनली आ गए तो ये इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि तो उसके अंदर खाली लेबर और एफर्ट्स नहीं आते, प्लस आपकी ग्रेजुटी होगी, प्लस क्या होता है कि कुछ ना कुछ उनको हॉलीडेज है वो मैंडेटरी प्रोवाइड करनी होती है। बट उस हॉलीडेज के दौरान क्या होता है, कई एम्प्लॉयज उनको हॉलीडेज को यूज नहीं करते, वो आखिरी में क्या करते हैं उन्हें कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं, वो लीव एनकैशमेंट हो जाती है, तो प्लस वो आ जाती है प्लस अदर बेनिफिट्स। तो खाली एक चीज नहीं, कई फैक्टर्स आ गए, तो इसके लिए इनकरेक्ट। सेकंड, डिविडेंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ओनली व्हेन द एंटिटी राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ द डिविडेंड इज एस्टेब्लिश्ड। खाली एक नहीं, ये भी इनकरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर तीन फैक्टर्स आते हैं, उसमें से एक तो इसमें गिवन ही है कि जब एंटिटी को राइट टू रिसीव पेमेंट और एस्टेब्लिश हो जाता है। सेकंड कब है, कि जब उसको प्रोबेबल हो जाता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंटिटी को ड्राइव होंगे। थर्ड, अमाउंट है वो रिलायबली एस्टिमेट की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन, स्वेट इक्विटी शेयर मीन्स इक्विटी शेयर इशूड बाई द कंपनी टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स एट अ प्रीमियम और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और फॉर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और वैल्यू एडिशन बाई वट एवर नेम कॉल्ड। ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्यों? क्योंकि आप उसको प्रीमियम की जगह डिस्काउंट पे इशू करते हो, जितना ज्यादा आप डिस्काउंट पे दोगे या कंसिडरेशन अदर देन कैश। पहली बार स्वेट इक्विटी शेयर हम इश्यू क्यों करते हैं, क्योंकि आपके एम्प्लॉय या डायरेक्टर खुद से एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना देते हैं जो आपकी कंपनी को काफी लार्ज नंबर पे एक बेनिफिट ड्राइव करके देती है फ्यूचर में, और जिसका आप पेटेंट भी करवा सकते हो। तो उसके उसे आप टेक्नोलॉजी के बदले में आप अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हो, और वो शेयर्स आप सस्ते दामों पर देते हो ताकि एक एम्प्लॉय और डायरेक्टर को ये लगे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रीमियम की जगह डिस्काउंट। फोर्थ क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व्स रेफर्स टू द प्रॉफिट दैट आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स हेल्ड फॉर द टाइम बीइंग और एनी वन और मोर पर्पस। ये इतने पर्पस के लिए होता है कैपिटल रिजर्व, ये जनरली डेफिनेशन दी गई आपको रिवेन्यू रिजर्व की, तो ये क्या होगा इनकरेक्ट। फिफ्थ, ए कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग डाउन ऑफ फिक्टिशियस एसेट और लॉसेस और फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स इफ इट इज रियलाइज्ड। हाँ ये भी ठीक है आपका, ये करेक्ट, एक क्वेश्चन मिल गया। सिक्स, इफ अ कंपनी एक्स बैलेंस शीट शोज अ बिल्डिंग कैरिंग ₹1 करोड़, द ऑडिटर शैल अज्यूम ओनली वन पॉइंट दैट मैनेजमेंट हैज ओनली एसर्टेड दैट द बैलेंस शीट रिकॉग्नाइज्ड इन द बैलेंस शीट एग्जिट एट द पीरियड एंड। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कह रहे हैं सिर्फ ऑडिटर है वो एक पॉइंट को सोच सकते हैं कि कंपनी के पास 1 लाख की है, बट उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स भी आते हैं कि कंपनी के पास बिल्डिंग है तो कंपनी का उसके ऊपर कंट्रोल है। अच्छा, बिल्डिंग की वैल्यू है वो वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन, दिस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ओनली बी अप्लाइड बाय द कंपनी टुवर्ड्स इशू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज अ फुली पेड बोनस शेयर। ये आपका इनकरेक्ट आ जाता है, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको हम 5 जगह यूज कर सकते हैं, एक तो बोनस शेयर, सेकंड प्रीमियमली एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, थर्ड आपके एक्सपेंसिस को राइट ऑफ करने के लिए जैसे आपका कमीशन हो गया, और इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गए उसके ऊपर कोई एक्सपेंस आता है उसको उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, या आपने प्रीमियम प्रोवाइड कर रखा है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी, या फिफ्थ क्या होता है परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अगर आपको ओन शेयर्स परचेज करके उसको कैंसिल करना हो तो आप उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हो। एट्थ क्वेश्चन,
मटेरियल एंड वेजेस कैन बी कंसिडर्ड टू बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। आपका AS 10 कहता है कि जब तक आपकी कोई भी एसेट बन के तैयार नहीं हो जाती, उस तक के जो भी कोई भी एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपेंडिचर हम कैपिटलाइज करेंगे, ना कि हम उसको बैलेंस P&L में भेज के राइट ऑफ कर देंगे। तो ये क्या होगा आपका, इनकरेक्ट। 9th क्वेश्चन, टेंजिबल एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड व्हेन द एसेट्स इज एक्चुअली पुट टू एक्टिव यूज। ये आपका इनकरेक्ट आ जाता है, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या होता है, वियर एंड टियर। क्योंकि आपके एसेट, अगर आपके पास लक्ष्य भी है तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप जब भी उसको डेप्रिशिएट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास एट जनरल मीटिंग। ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल के लिए आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हो, बट आपको MOA में एक क्लोज को चेंज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको क्लोज चेंज करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये आपका इनकरेक्ट आ जाता है, क्योंकि तो आप इसका बोनस शेयर में यूज कर सकते हो। डिविडेंड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर। ये आपका पहला क्वेश्चन है, काफी टाइम बाद आया, करेक्ट। ये बोर्ड है वो सिर्फ रिकमेंड करता है, बट डिक्लेयर कर जाता है शेयर होल्डर के द्वारा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। 13th क्वेश्चन, इन वेरीफाइंग ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस डेट कंफर्मेशन प्रोसीजर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी। इसने खाली ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ही, ये कह रहे हैं इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। हाँ ये ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके दौरान ट्रेड रिसीवेबल अपने खुद का बैलेंस कंफर्म करके हमें एक रीजनेबल एश्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्या गया, करेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी वॉज अपॉइंटेड बाई द बोर्ड इन इट्स मीटिंग आफ्टर 10 डेज एट द डेट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये पहली बार 10 डेज गलत है, सेकेंड बोर्ड गलत है, इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे CNDG लेके आता है विद इन 60 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, और अगर CNDG बोर्ड फेल हो जाता है तो बोर्ड लेके आता है, अगर बोर्ड फेल हो जाता है फिर मेंबर लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्टर्स रिलेटिव कैन एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। ये भी आपका इनकरेक्ट आ जाता है, क्योंकि सेक्शन 141 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 परमिट करता है कि आपका कोई भी रिलेटिव है वो ऑडिटर नहीं बन सकता कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एन LLP इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एवरी पार्टनर शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एज एन ऑडिटर। एवरी पार्टनर नहीं, एलिजिबल पार्टनर, यानी ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। 4th पॉइंट, AB एंड कंपनी इज एन ऑडिटर हैविंग अ पार्टनर मिस्टर ए एंड बी, मिस्टर सी इज रिलेटिव ऑफ बी होल्डिंग दिस सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू 2 लाख इन XYZ लिमिटेड। AB इज अ क्वालिफाइड फॉर यू अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। पहली बात, देखो रिलेटिव है वो फेस वैल्यू 1 लाख तक होल्ड कर सकते हैं, बट वो विद इन 60 डेज उन्हें भी वो भी सेल करने पड़ेंगे। सेकंड, एक तो आपकी ये चीज गलत होगी, सेकंड एक फॉर्म में जैसे मैक्सिमम पार्टनर क्वालिफाइड होने चाहिए, बट मिस्टर ए मिस्टर बी, अब मिस्टर बी है वो डिसक्वालिफाइड हो गए और मिस्टर ए है वो क्वालिफाइड है, बट मेजोरिटी क्या होगी, ना आपकी क्वालिफाइड ना डिसक्वालिफाइड, यानी बीच की होगी, यानी ये फॉर्म अपॉइंटिंग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, इसका वैसे आंसर इनकरेक्ट है। द ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी वॉन्ट टू रेफर मिनट्स बुक्स ड्यूरिंग एन ऑडिट, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिफ्यूज टू शो द मिनट्स ऑफ बुक्स टू द ऑडिटर। इसका क्या है, इनकरेक्ट। 6th, मैनर ऑफ रोटेशंस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू अ कंपनी व्हिच हैविंग पेड अप कैपिटल 15 करोड़ हैविंग अ पब्लिक बोरोइंग नेशनल बैंक ऑफ 50 करोड़ ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट, क्यों? क्योंकि एक पब्लिक लिमिटेड है, उसकी पेड अप कैपिटल, हाँ इसकी पेड अप कैपिटल बेशक कम है, पेड अप कैपिटल आपकी 50 करोड़ तक होनी चाहिए, बट आपके यहाँ पे इस केस में 15 करोड़ है, बट इसकी बोरिंग्स है वो 50 करोड़ या मोर, उससे ज्यादा हो जाता है जब उसको इंटरनल रोटेशन अप्लाई हो जाता है, तो अब इसमें ज्यादा हो गया इन केस तो इन्हें रोटेशन अप्लाई करना पड़ेगा। इसे भी इंटरेक्ट, द वैलिडिटी ऑफ स्टडी ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू सी वैलिडिटी ऑफ एन ऑफिस अपॉइंटमेंट ऑडिटर। ये भी इनकरेक्ट आ गया, क्यों? क्योंकि ऑडिटर को मिनट्स देखने चाहिए बोर्ड ऑफ मीटिंग या जनरल मीटिंग की। 8th क्वेश्चन, MD ऑफ AD लिमिटेड हिमसेल्फ अपॉइंटेड द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एक MD है वो ऑडिटर बन नहीं सकता, क्योंकि सेक्शन 141 आपका परमिट करता है। तो ये भी आ गया इनकरेक्ट। एक CA होल्डिंग सिक्योरिटीज ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹90,950 इज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ S लिमिटेड। जब एक CA है वो किसी कंपनी का ऑडिटर होता है, तो उसके पास 950, क्या उसके पास 1 रुपये का भी फेस वैल्यू का शेयर नहीं सकता, बट यहाँ उसके पास 950 के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। 10th, मिस्टर एन ए मेंबर ऑफ ICSI इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड।
ये भी गलत है। सीएस कभी भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। एक सीए जिसके पास सीओपी है सिर्फ वही ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है, सीएस के पास अथॉरिटी नहीं है स्टैट्यूटरी ऑडिट की। 11th, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी एट अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर ओनली टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशन ऑफ एन ऑडिट कमेटी। हाँ, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने जरूरी होती है, तो इन्होंने रिकमेंडेशन लिया है। इसका आंसर आगे करेक्ट। 12th, भारतीय गैस लिमिटेड ए गवर्नमेंट कंपनी दिस सीएनडीजी शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट एन ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अंडर दिस एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हु शेल होल्ड ऑफिस टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ये इसका आंसर आप सोचिए क्या होगा। इसका आंसर आएगा इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि एंड एंड होता है वो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर के 180 डेज के अंदर उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। 13th, सीए के हैज रिजाइंड फॉर ऑडिटर आफ्टर 2 months फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट इन एनएमएल लिमिटेड। ही नीड्स टू फाइल एडीआर 3 विद द रजिस्टर विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहली बार एडीआर 3 60 डेज के अंदर 30 डेज में फाइल होती है, और आरओसी और कंपनी के पास दोनों के पास फाइल की जाती है। ये क्या हो गया आपका इनकरेक्ट। 14th, The board of directors of ABC Limited, a listed company at Bombay Stock Exchange, is required to fill casual vacancy of an auditor, only take account of the recommendation of an audit committee. ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया। 15th, Any partner of an LLP who is appointed as an auditor can sign the audit report. इसमें क्या आएगा? Incorrect. Any partner नहीं, only qualified partner. 16th, audit committee should be constituted to every public company to ensure better standards on corporate governance. इसका आंसर क्या आएगा आप सोचना। इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट। आपको पब्लिक ऑडिट कमेटी कब बनानी पड़ती है? या तो एक लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड कैपिटल 10 करोड़, जिसकी डिपॉजिट 50 करोड़ और जिसकी टर्नओवर 100 करोड़ उससे ज्यादा हो। इसका आंसर इनकरेक्ट। 17th, XYZ Limited is engaged in manufacture of textile specified under the prescribed rules having a turnover 100 crore including export turnover of 88 crore in foreign exchange in immediately preceding financial year. This said company is required to get cost audit conducted for the immediately preceding financial year. देखो 35 करोड़ से ज्यादा जाता है जब इन्हें कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है, बट जब उसका टर्नओवर 75% फॉरेन एक्सचेंज से हो तो उन्हें एग्जम्पशन मिल जाती है। इन केस यहाँ पे 88% है तो यहाँ पे इसे एग्जम्पशन मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर क्या गया? इनकरेक्ट। 18th, द ऑडिटर हैज टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट व्हेदर द कंपनी हैज एडुकेट इंटरनल कंट्रोल इन प्लेस ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ सच इंटरनल कंट्रोल। इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट। क्यों? एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पे रिपोर्ट करना पड़ता है उसे। यहाँ देख लो ना, एक ब्रेक वर्ड के कारण आपके दो नंबर जा भी सकते हैं आ भी सकते हैं। 19th, डिस्कवरी ऑफ एन ऑफेंस ऑफ फ्रॉड ₹1 करोड़ By the auditor against the company committed by its officers is to report serious fraud investigation officer. Incorrect. क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट को करना पड़ता है रिपोर्ट। सीजी को एडीटी फोर में सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, एडीटी फोर को फाइल करना पड़ता है सेक्रेटरी ऑफ एमसीए। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर हैज टू लीगल फुटहोल्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसका आंसर भी क्या आएगा? करेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो ज्वाइंट ऑडिटर है उसको कंपनी एक्ट में क्या रखा है कि कंपनी एक्ट में रोटेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जॉइंट ऑडिटर है वो एक टाइम पे ही मतलब कंपनी से हट नहीं सकते, या उनका टेन्योर एक टाइम पे कंप्लीट नहीं हो सकता, उनका टेन्योर अलग अलग टाइम पे कंप्लीट होगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 11, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट का क्वेश्चन नंबर 1, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन क्वालिफाइड ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब जब ये कह रहे हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FRF के अकॉर्डिंग बनी है, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स FRF के अकॉर्डिंग बनी होती है तो वहाँ पे अनमोडिफाइड ओपिनियन जाता है ना कि क्वालिफाइड, तो आपकी ये स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर इज नो नीड फॉर एड्रेसी इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये तो आपका इनकरेक्ट है क्योंकि एड्रेसी आपको सेकंड लाइन में देना पड़ता है कि आपने ये रिपोर्ट किसके लिए बनाई है, और ये इंपॉर्टेंट भी होता है। थर्ड, The auditor shall modify the opinion in the auditor's report only when the auditor concludes that, based on the audit evidence obtained, the financial statement as a whole are not free from material misstatement. इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें खाली ओनली, यहाँ पे ओनली आ गया, खाली आपको ये नहीं कि फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्या तो आपको ऐसा नहीं एविडेंस ना मिला हो फिर
फोर्थ क्वेश्चन, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन व्हेन द ऑडिटर हैविंग द ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट और बोथ मटेरियली एंड पर्सिसिव टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका आंसर आएगा इनकरेक्ट, क्योंकि डिस्क्लेमर के टाइम पे उसे एसएनडी एविडेंस तो मिलता ही नहीं, और यहाँ पे क्या ऑब्टेन ऑब्टेन वर्ड गलत है. कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन एन ऑडिटर रिपोर्ट कंस्टिट्यूट्स अ सब्स्टिट्यूट फॉर द डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये भी आपका इनकरेक्ट आ जाता है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट नहीं होता कुछ भी, एक दूसरे का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. चलिए नेक्स्ट पे इनकरेक्ट. 6 पॉइंट, व्हेन एन ऑडिटर हैज टू एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन ही नीड नॉट टू कम्युनिकेट विद द डोस्ट चार्ज गवर्नेंस एज दिस मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन द पेमेंट ऑन हिज ऑडिट फीस. इनकरेक्ट, जब भी वो एडवर्स ओपिनियन देता है उसे टीसीडब्ल्यूजी को रीजन देना पड़ता है अप्रोप्रिएट, और इसका फीस का कोई भी लिंक नहीं है. 7, इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग एन ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद SS-705 द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन यूज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इन एन ऑडिट रिपोर्ट विद एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन. ये भी आपका इनकरेक्ट आ जाता है. क्यों? क्योंकि कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर पैराग्राफ ऑडिट रिपोर्ट में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, वो एक अलग से पैराग्राफ होता है. तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट. चलिए चैप्टर नंबर 12, ऑडिट ऑफ बैंक्स. पहला क्वेश्चन, आरबीआई हैज बीन एंटेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक ओनली. ओनली आ गया, ये गलत है. इनकरेक्ट, क्योंकि ये आरबीआई हर एक बैंक की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. सेकंड क्वेश्चन, इन इन द कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट द ऑडिटर नीड नॉट टू बी फैमिलियर विद द लेटेस्ट एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइंस दैट हैव बीन बेयरिंग ऑन द क्लासिफिकेशन प्रोविजन एंड इनकम रिकॉग्निशन. नॉट बी फैमिलियर, ये गलत आ गया. उसे फैमिलियर होना चाहिए लेटेस्ट एप्लीकेबल आरबीआई गाइडलाइन से. ये क्या गया आपका? इनकरेक्ट. थर्ड, द ऑडिटर कैन अश्योर दैट द सिस्टम जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड रिलाइड अपॉन विदाउट एविडेंस दैट डेमोस्ट्रेट दैट द सिस्टम डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन वैलिडेशन ऑफ द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एप्लीकेबल विदाउट एविडेंस. कोई भी आपके कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है, आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है भी है या नहीं है. ये कह रहा है विदाउट एविडेंस आप मान लीजिए वो ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट. फोर्थ, कलेक्टर सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर फॉर द बैंक फाइनेंस और वन अगेंस्ट व्हिच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय बैंक. ये होती है आपकी एडिशनल सिक्योरिटी. कलेक्टर सिक्योरिटी एडिशनल होती है, यहाँ पे आएगा आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी होती है ये. तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी? इनकरेक्ट. फिफ्थ, रजिस्टर्ड मोर्टेजेस इज इफेक्ट बाय मेयर डिलीवरी ऑफ द टाइटल डीड्स और अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल विच इंटेंड टू क्रिएट अ सिक्योरिटी देयर ऑफ. ये रजिस्टर्ड नहीं होता, ये क्या होते हैं? इक्विटेबल मॉर्टगेज. तो आपकी क्या होगी? इनकरेक्ट. इस कई डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ लेना, उस पर इनकरेक्ट करेक्ट काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. एनी अमाउंट ड्यू टू बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ नॉट पेड विद इन द 90 डेज ऑफ बिकमिंग ओवरड्यू. ये आपका इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि ओवरड्यू तो तभी हो जाता है जब आप उसकी पेमेंट नहीं करते. जब आपकी 90 डेज तक पेमेंट नहीं होती तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर बोला जाता है. सेवन, एन अकाउंट शैल बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस शैल रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर. ये करेक्ट है. और साथ में एक वो आता है जब आपके क्रेडिट्स इतने ही नहीं है कि आपका इंटरेस्ट भी वो कवर कर पाए. एट बैंक रिकॉग्नाइज एनपीए ऑन एक्रुअल बेसिस. एनपीए भी निकले और एक्रुअल बेसिस भी. तो ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि एनपीए के टाइम पे पर्सन पैसा नहीं दे पा रहा, तो ये कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब उन्हें एक्चुअल में रिसीव होती है पेमेंट. नाइन्थ, ऑडिटर ऑफ नेशनल बैंक नेशनलाइज बैंक इज अपॉइंटेड एट द एजीएम. नहीं, एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं, इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं नेशनलाइज बैंक के. तो ये भी क्या होगी? इनकरेक्ट. चलिए लास्ट चैप्टर, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज. फर्स्ट, आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट शैल बी केप्ट इन अ फॉर्म एज द फाइनेंस मिनिस्टर मे एडवाइस ऑफ द सीएनडीजी प्रिस्क्राइब. फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आएगा, यूनियन के प्रिस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट और स्टेट के प्रिस्क्राइब करता है गवर्नर. तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट. सेकंड, ऑडिट ऑफ द प्रोप्राइटरी ऑडिट द ऑडिटर ट्राइज टू ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इनप्रॉपर अवॉइडेबल इनफ्रक्टिव एक्सपेंडिचर इवन थ्रू द एक्सपेंडिचर हैव बीन इनकर्ड इन कंफर्मिटी विद द एग्जिस्टिंग रूल्स एंड अकॉर्डिंग. करेक्ट है, क्योंकि प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम वो लिखते हैं जो खर्चा आपके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, बट वो खर्चा हम अवॉइड कर सकते थे लेकिन धक्के से हो गया. तो थर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेशंस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स: जनरल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, एजुकेशन, पब्लिक वर्क्स एंड अदर सच एज इंटरेस्ट पेमेंट. तो इसका क्या आएगा? करेक्ट. क्यों? क्योंकि जो भी म्युनिसिपैलिटी के एक्सपेंस है इसी जगह पे होते हैं सारे पब्लिक के लिए जो से बेनिफिशियल हो. फोर्थ,
द एक्सटर्नल कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपैलिटी एक्सपेंडिचर इज एक्सरसाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर टू एग्जामिन म्युनिसिपल अकाउंट्स इनकर, क्योंकि म्युनिसिपल गवर्नमेंट के सारे एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह स्टेट गवर्नमेंट आएगा यहाँ पे। फिफ्थ, एनजीओस मे बी डिफाइंड एज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रेज फंड फ्रॉम मेंबर्स डोर टू डोर कंट्रीब्यूशन अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग डोनेशन ऑफ टाइम एनर्जी एंड स्किल्स फॉर अचीविंग देयर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। करेक्ट। सिक्स, अकाउंट्स ऑफ एवरी एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल 24 ऑफ एलएलपी रूल्स 2009। अब इसमें देखो, द अकाउंट्स ऑफ एवरी एलएलपी, एवरी वर्ड गलत है, क्योंकि किसी एलएलपी का अगर टर्नओवर 40 करोड़ से लेस हो या उसका कंट्रीब्यूशन 25 लाख रुपए से लेस हो तो उसे ऑडिट में एग्जम्पशन मिल जाती है, तो ये प्रॉब्लम इनकरेक्ट। सेवन, द ऑडिटर ऑफ एन एलएलपी में अपॉइंटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर और अदर पार्टनर हुसोएवर इज अवेलेबल एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, ये हो जाता है आपका इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि एलएलपी में पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेगा, अगर वो नहीं होता तो अदर पार्टनर अपॉइंट करेंगे। ये नहीं होता कभी भी, जो मर्जी भी अपॉइंट कर लो, घर की रिश्तेदार नहीं है, तो प्रॉपर रूल्स होते हैं। इनकरेक्ट। एट, दिस एंटिटी डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू ऑडिट ऑफ अकाउंट्स टू स्टोर एन इन्वेंटरी कैप्ट इन एन ऑफिस और डिपार्टमेंट और यूनियन और स्टेट। इनकरेक्ट, क्योंकि उसके पास पावर होते हैं, वो कभी भी जाके कभी भी उनके अकाउंट्स मांग सकता है। इनकरेक्ट। नाइन्थ, एन ऑपरेटिंग लीज इज अ काइंड ऑफ फाइनेंस एग्रीमेंट। ऑपरेटिंग लीज फाइनेंस एग्रीमेंट नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग क्या तो क्या होता है, रेंट एग्रीमेंट। और ये क्योंकि ऑपरेटिंग में क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म की लीज होती है, और फाइनेंस एग्रीमेंट वो होता है कि आप आपके पास आखिरी में ऑप्शन होता है, आप चाहे एसेट परचेज करो या ना करो, वो आपकी मर्जी के ऊपर होता है। टेंथ, एन ऑडिटर शुड बी एंश्योर दैट प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ ऑक्यूपेंसी इन प्रोसेस एट द बैलेंस शीट मेड इनकर एट द अकाउंट्स इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। ऑडिट ऑफ होटल में आप प्रॉपर वैल्यूएशन ऑक्यूपेंसी की करते हो कि आपके अकाउंट्स कि आपके एवरेज कितने रूम रेंट पे रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट फेयर निकालते हो कि उनका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए और उन्होंने कितना शो कर रखा है। तो यहाँ पे यह क्या जाएगा, करेक्ट। लास्ट में करेक्ट, चलिए आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना। और प्लीज जब भी एग्जाम हो, करेक्ट इंटर के साथ ऐसे नंबर, ऐसे का नाम यहाँ पे नेम, फिर अगर स्टेटमेंट करेक्ट है तो आप सीधा लिख सकते हो, अगर किसी आंसर में इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट क्यों है और करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए। ऐसे दे देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।